नमस्कार मित्रों, हूँ छु पेनलगिरी गोस्वामी। आज नी वीडियो में बात करीशु देश अने दुनियाना सुपर फास्ट समाचारनी। सौ प्रथम बात करिए तो वेकेशन में फरवा जता गुजरातीओ खास ध्यान आपे। मुसाफरोनी मांगणीने जोता GSRTC राज्य में रोज 400 થી વધુ एक्स्ट्रा एक्सप्रेस बस सर्विस शुरू करशे। आ अंगे वाहन व्यवहार मंत्री हर्ष संघवीए जणाव्युं छे कि गुजरात राज्य मार्ग वाहन व्यवहार निगम द्वारा दर वर्षे उनाळु वेकेशन दरमियान मुसाफरोनी मांगणीने ध्यानमां लईने एक्स्ट्रा बसोनुं संचालन थाय छे। राज्यना विविध शहेरो, धार्मिक स्थळो, प्रवासन स्थळो अने आंतरराज्य स्थळो माटे पूरती बस व्यवस्था उपलब्ध थशे। अन्य समाचारनी वात करिए तो अमदावादमां जगन्नाथजीनी 146મી रथयात्रानी तैयारीओ शुरू थई गई छे। आ वखते रथयात्रामां नवा रथोमां जगतना नाथ नगर यात्रा करशे। अंदाजित 100 वर्ष बाद आ परंपरा आ वर्षे बदलाशे। 100 वर्ष सुधीमां क्यारे प्रभुना रथ बदलाया नथी। आ वर्षे नवा रथमां बेसाडीने नगरजनोने नाथ दर्शन आपशे। अखात्रीना दिवसे जगन्नाथजीनी चंदन यात्रा योजाशे, पछी मंदिरमां रथयात्रानी तैयारीओ पण शुरू थशे। अन्य समाचारनी वात करीए तो कोंग्रेसना नेता राहुल गांधी 27 એપ્રિલે ઉડુપીની મુલાકાત લેશે। જસ્ટિસ SK ભાટી 24 એપ્રિલથી કેરળ હાઈકોર્ટના કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયાધીશ બનશે। ભાવનગર ડમીકાંડ અંગે આપ પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવીનું નિવેદન। યુવરાજ પર FIR કરવાનું ષડયંત્ર રચાયું છે। યુવાનોના અવાજને દબાવવાનું ષડયંત્ર, આ બધું રાજકીય ઈશારે કારસો રચાઈ રહ્યું છે તેવું ઈસુદાન ગઢવીએ જણાવ્યું છે। તો ચાલો મિત્રો, ફરીથી દેશ અને દુનિયાના અગત્યના સમાચાર લઈને મળતા રહીશો। ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો। નમસ્તે।